नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रश्न एक, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत लॉन्च किया है। ए नरेंद्र सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी राजनाथ सिंह। इसका उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया है। इस दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो गान और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी लॉन्च किया गया है। प्रश्न दो, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गया है। ए जापान, बी चीन, सी इटली, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है इटली। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। वे इस यात्रा के दौरान भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से इन देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रश्न तीन, इनमें से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ए शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा विभाग, सी इसरो, डी नासा। इसका उत्तर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिकी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। प्रश्न चार, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। ए बिजनेस इंडिया, बी इन्वेस्ट इंडिया, सी टाटा ग्रुप, डी HDFC ग्रुप। इसका उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। इस जीत पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी है। प्रश्न पाँच, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है। ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी केंद्र सरकार, डी नीति आयोग। इसका उत्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है। ये वाउचर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड उपकरणों की तरह हैं जिनका उपयोग केवल टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। ये वाउचर कर्मचारी के स्मार्टफोन या फीचर फोन पर भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये GK क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको GK क्वेश्चंस सुनकर मजा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका दिमाग कितना तेज है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।